गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑनलाइन क्लास आई होप यूर आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर एट दैट इज एक्सरसाइज एट पॉइंट नाइन एंड टुडेज टॉपिक इज एडिशन एंड ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन यू नो वट इज़ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन दोज फ्रैक्शन विच द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन जिन फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं एंड दोज डिनोमिनेटर हु डिडंट

कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम जब भी हम लाइक like फ्रैक्शंस को ऐड या सपरेक्ट करेंगे जो भी हमारे पास गिवन ऑपरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम नोमिनेटर्स को ऐड या सप्रैक्ट करेंगे और आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा फॉर एग्जाम्पल वन बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री इन दिस क्वेश्चन वी विल एड बोथ द फ्रैक्शन एंड दे हैव सेम डिनोमिनेटर इट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शन सो अकॉर्डिंग टू दिस

so first of all subtract the numerator that is 7 minus 5 keep the denominator same which is 6 7 minus 5 is equal to 2 by 6 so your answer will be 2 by 6 now see how to add and subtract in unlike fractions while adding or subtracting to unlike fractions first convert unlike fractions to like fraction जब भी हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन गिवन होगा और हमें उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी होगी सबसे पहले हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक like फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देअ डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे उसके बाद हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने लाइक like फ्रैक्शंस में किया था फर्स्ट ऑफ ऑल एड और सब द न्योमेटर एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम So let's start with the question. Your first question is find the sum. 3 by 8 plus 5 by 8. In this question, the denominators are same, it means they are like fraction. So first of all, add the numerators 3 plus 5, keeping the denominator same, that is 8. 3 plus 5, 8 by 8. 8, 8 divide it, then our answer will be 1. See next question. 5 by 9 plus 2 by 7 in this question the denominators are different 9 and 7 so we will calculate the lcm of the denominators 9 and 7 and both numbers are not divisible by the same number they are not having the common factor so the lcm of 9 and 7 is equal to 9 multiplied 7 is equal to 63 सो so, अब हमारा एल सी सिक्सटी थ्री आ गया तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या आप बनाएंगे सिक्सटी थ्री एंड आर फर्स्ट फ्रैक्शन विल बी फाइव बाई नाइन और नाइन के टेबल में आपका सिक्सटी थ्री आएगा सेवन जा पर सो so, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाय नाइन मल्टीप्लाई सेवन बाय सेवन फाइव सेवन जा थर्टी फाइव नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री नेक्स्ट इज़ टू बाई सेवन सेवन की टेबल में आपका सिक्सटी थ्री आएगा नाइनज़ पर सो वी विल मल्टीप्लाई बाई नाइन टू नाइन ज़ा एटीन सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री नाव वी आर हैविंग द लाइक फ्रैक्शन अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है देन वी विल एड बोथ द फ्रैक्शन थर्टी फाइव प्लस बाई सिक्सटी थ्री प्लस एटीन बाई सिक्सटी थ्री अब हम इसमें सेम लाइक like फ्रैक्शंस वाला uh, प्रोसीजर फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड द न्यूमरेटर्स That is 35 plus 18, and keeping the denominator same, which is 63. 35 plus 18 is equal to 53 by 63. So, this is your answer. Okay. Now, see another question. 1 1 by 2 plus 2 in this question your first fraction is a mixed fraction so first of all we will convert into improper fraction and in the second fraction denominator is not given so we will write 1 as a denominator okay so first of all we will convert mixed fraction into improper fraction 2 1s are 2 plus 1 3 by 2 and plus 2 by 1 and this question denominators are also different so they are unlike fractions so first of all we will मेक इट लाइक फ्रैक्शन हम इसे लाइक like फ्रैक्शन बनाएंगे सो so, इसका एल सेम आपका आएगा टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू टू फर्स्ट जो आपका ऑलरेडी टू है सो वी विल मल्टीप्लाईट बाय वन विच इज इक्वल टू थ्री बाय टू नेक्स्ट फ्रैक्शन इज टू बाय वन वन की टीबल में आपका टू आएगा टू जॉ पर इसलिए हम इसे टू से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट इज इक्वल टू फोर बाय टू नाउ वी विल एट बोथ द फ्रैक्शन थ्री बाय टू एंड फोर बाय टू थ्री बाय टू प्लस फोर बाय टू फर्स्ट ऑफ ऑल एट द न्यूमिनेटर्स एंड कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम थ्री प्लस फोर सेवन बाय टू ओके नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन टू सप्रेक्ट सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो आपने एडिशन में किया था बट इसमें आपको क्या करना है एडिशन की जगह सप्रैक्ट करना है नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सप्ट्रेक्शन एट बाय नाइन माइनस सेवन बाय नाइन वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे जो हमने लाइक फ्रैक्शन में किया था फर्स्ट ऑफ सब एट माइनस सेवन एंड आंसर विल बी वन बाय नाइन सी नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री बाय फाइव माइनस वन बाय टू इन दिस क्वेश्चन फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल

next fraction is 1 by 2 2 ki table mein aapka 10 ga, 5 se so we will multiply by 5 by 5 and it is equal to 5 by 10 now we will add both the like fractions 6 by 10 plus 5 by 10 by following the same procedure first of all we will add the numerator that is 6 plus 5 and keeping the denominator same which is 10 6 plus 5 is equal to 11 by 10 is your answer now, see next question 3 minus 2 1 by 2. In this question, in the first fraction, uh, denominator is not given, so we will write 1 as a denominator. And in the second fraction, it is in mixed fraction, so we will convert it into improper fraction. So, first of all, write the first fraction as it is and convert the mixed fraction to improper fraction to 2s of 4 plus 1, 5 by

6 by 2 plus 5 by 2. 6 by 2 plus 5 by 2. First of all, we will add the numerators and keeping the denominator same, which is equal to 11 by 2. Okay. So, in this way, you have to complete question 1st and 2nd of exercise 8.9 in your FAIR notebook. If you have any query, you can ask in your WhatsApp group. Okay. Thank you and have a nice day.